अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ईद जो है वो अच्छी गुजरी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी अच्छी गुजरी है। तो अभी हम लाहौर जा रहे हैं तलहा को छोड़ने। तलहा जो है इस टाइम ड्राइविंग कर रहा है, तो अभी इसको छोड़ने लाहौर जा रहे हैं। साथ ज़ुल्फ़िकार भाई हैं हमारे। मैं सोचा अकेले क्या जाना है, वापसी मैंने अकेले ही आना। मैं ज़ुल्फ़िकार भाई को बोला चलें आप मेरे साथ। तो अभी हमने बन बाजवा जो है वो क्रॉस किया है। जब भी हम एंटर हुए हैं लाहौर मोटरवे पे, वो सामने टूल प्लाजा है। तो अभी इधर से हम पर्ची लेंगे टूल प्लाजे से। ये सामने जी टूल प्लाजा आ गया। किधर गया भाई पर्ची वाला? तला भाई खा रही। नहीं जी पर्ची मिल गई हमें। तो अभी हम एंटर हो गए मोटरवे। तो दोस्तों मोटरवे पे जो है अभी मौसम अच्छा हुआ है। ये चेक करें मौसम आप, बाहर का बादल, खेत वगैरह चेक कर लें। तो लाहौर तो सुबह काफ़ी बारिश हुई है। ज़ुल्फ़िकार भाई जो पीछे बैठे हुए हैं ना, ये कह रहे हैं ये जो मोटर पे लाइन बनी हुई है ना वाइट, ये काउंट कर रहे हैं। तो देखते हैं लाहौर तक कितनी काउंट होती है इनसे लाइनें। तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भी इजाफा करेंगे कि ये जो मोटरवे पे लाइंस बनी हुई है ना वाइट कलर की, ये कितनी है। ठीक है जी, तो ज़ुल्फ़िकार भाई शुरू हो जाएं। ये हमने लोगों को बताना है कितनी लाइन्स है। ठीक है, मोटरवे पे इन्होंने बनाया स्टे वगैरह के लिए ना, अगर किसी ने स्टे करना है, वॉशरूम जाना है, रेस्ट वगैरह करनी है, कुछ खाना पीना है, तो ये मोटरवे पे बना है खाने पीने के लिए, वॉशरूम के लिए, नमाज वगैरह के लिए। मोटरवे पे जब भी सफ़र करें आपकी गाड़ी के जो टायर हैं वो अच्छे होने चाहिए, न्यू होने चाहिए, क्योंकि जितनी गर्मी है ना तो उससे टायर वगैरह जो है कमज़ोर होंगे और वो ब्लास्ट हो जाएंगे, जो कि किसी हादसे का सबब भी बन सकते हैं। और आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है और हादसा होता है, और अल्लाह ना करे उसमें जाने नुकसान भी काफ़ी होता है। तो इसलिए जब भी आप सफ़र करें और अगर आपके टायर कमज़ोर हैं तो फिर आपको गाड़ी की स्पीड जो है वो स्लो रखनी चाहिए, नॉर्मल रखनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके टायर अच्छे हैं, न्यू हैं, फिर आप थोड़ी सी स्पीड गाड़ी को दे सकते हैं। अदरवाइज़ टायर कमज़ोर हैं तो गाड़ी को आप स्लो ड्राइव किया करें, और क्योंकि जान बहुत कीमती होती है। बाकी गाड़ियां तो आती जाती रहती हैं, जान जो है ये जो ज़िंदगी है सिर्फ़ एक दफ़ा जो है वो मिलती है, और हमें चाहिए कि एहतियात करें। बाकी मोटरवे बनने से जो है ना वो सफ़र काफ़ी आसान हो गया है, और बंदा जो है वो आसानी से और जल्दी जो है लाहौर पहुँच जाता है। और सियालकोट जाना हो फिर भी बंदा जो है वो इजीली सुकून से जो है वो पहुंच जाता है। जब ये मोटरवे नहीं थी तो जीटी रोड से गाड़ियां जाती थी और काफ़ी टाइम भी लगता था और बंदा थक भी काफ़ी जाता था। अभी घंटा लगता, घंटे में बंदा जो है वो लाहौर पहुँच जाता है, और लाहौर से घंटे में बंदा सियालकोट वापस पहुँच जाता है। दोस्तों वो देखें जहाज़ जा रहा है। दोस्तों ने कभी तो नहीं देखा, लेकिन मोटरवे पे इसका क्या काम है, पत्तों की जा रहा शायद ये। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों हम काला शाखा को पहुंच चुके हैं, काला शाखा को इंटरचेंज पे। अभी तलहा इधर जो है वो टोल पे करेगा। ये सामने काला शाखा को टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मौसम भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो चुका है दोस्तों,
तो इंशाल्लाह आपको रास्ते में जो भी अच्छा व्यू आएगा उसका हम आपको रिव्यू करवाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी इधर हम कैश पे करते हैं तो उसके बाद हम चलते हैं। जो है वो किनाल रोड पे पहुंच चुके हैं, लाहौर पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये किनाल रोड है लाहौर में, माशाल्लाह से लाहौर के अपनी मज़े हैं, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा व्यू है इस रोड का, किनाल रोड का ना। ये सेंटर में इसकी नहर है, एक रोड इस साइड पे है, एक जो है दूसरी साइड पे सेंटर में इसकी नहर है, एक तो काफ़ी अच्छा मज़े का व्यू है। तो अभी हम जाएंगे फैसल टाउन, फिर उधर चल के आपको उधर का भी रिव्यू करवाते हैं हम। अभी थोड़ी सी ना हल्की हल्की भूख लगना स्टार्ट हो चुकी है, तो पहुंच के देखते हैं भाई हमने क्या खाना पीना है। चाय तो लाजमी पीनी है हमने, चाय हम पीने वाले बंदे हैं, पहले देखते हैं खाना क्या है। खाने के बगैर हम चाय नहीं पीते। ज़ुल्फ़िकार भाई ने दो दफ़ा चाय पी ली है। तला भाई स्लो चलाएं, क्या स्पीड लगाई हुई है यार, क्यों डरा रहे हैं हमें भाई। ये जी मदनी मैरिज ब्यूरो, ये नंबर नोट कर लें, जिस भाई ने शादी वगैरह करनी हो, जिस बहन ने शादी करनी हो वो इनसे रब्ता कर लें, नंबर वीडियो में आ गया आपके पास। तो अभी फैसल टाउन पहुंच के तो आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है हम फैसल टाउन पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है और काफ़ी इधर बारिश हुई है लाहौर में ना। अभी फैसल टाउन में हम एंटर हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छा मौसम है। ये फैसल टाउन में हम एंटर हो चुके हैं, बारिश इधर काफ़ी हुई है तो मौसम भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा है इधर का। फैसल टाउन में ना सरकारी ऑफिसर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं इस साइड पे ना, इस साइड पे काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं। अभी आगे मैं आपको फास्ट यूनिवर्सिटी है जो वो भी दिखाता हूँ, बस ये आगे साथ ही फास्ट यूनिवर्सिटी है। तो इंशाल्लाह मैं आपको फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अंदर जाके तो नहीं, बाहर से इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये फास्ट यूनिवर्सिटी की दीवार है, गेट आगे आता है तो दिखाते हैं आपको। ये वैसे फास्ट यूनिवर्सिटी जो है वो स्टार्ट हो गई है, ये इसका गेट है ये वाला, और ये गेट इसका ये वाला है। ये सामने मस्जिद है, इधर जुमा वगैरह नमाज वगैरह इधर। काफ़ी साफ़ सुथरा टाउन है, काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा टाउन है फैसल टाउन, ब्लॉक ए में इस टाइम हम। तो आप उधर चल के ये बस पहुंच गए हैं, एक मिनट तक हम इधर पहुंचने लगे हैं साथ ही, फिर आपको मिलते हैं उधर जाके हम। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम पहुंच चुके हैं और गाड़ी की आप हालत चेक कर लें, क्या गंदी पड़ी है। तलहा साहब उतरे हैं नीचे, तो गाड़ी की आप हालत चेक करें, बारिश की वजह से, और गाड़ी की हालत देख लें आप लोग। तलहा भाई ये हमारे आसफ भाई आए हैं, ये चेला हाउस जी, क्या हाल है सब भाई, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे, ये सनात भाई इधर आ गए। सनात भाई हमसे पहले पहुंच गए, क्या हाल है, ठीक ठाक है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ जी, और आसफ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक है। ये हमारे आसफ भाई हैं, ठीक है, चेला साहिब हैं, चेला हाउस में रहते हैं ये, ठीक है जी। असनाद भाई हमसे पहले निकल आए हैं, असनाद भाई अब बता के नहीं आए। बस यार मुझे काम से बहुत जरूरी काम था, मैं इसलिए जल्दी निकल आया था। जरूरी काम कौन सा था बताते हैं आपको, ये दोनों ने टाइम तो नहीं फिक्स किया दोनों ने, बस यही समझ। ये असनाद भाई हैं,
ये अब्दुल्ला भाई है, ये हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, ये तो सारे जानते हैं। अब्दुल्ला भाई को अच्छे तरीके से हमने सब्सक्राइब करना, ठीक है, उन्हें फॉलोअर वगैरह को भी भेजना ताकि अब्दुल्ला भाई वीडियो नहीं देख पा सके, वीडियो खुद नहीं देखते है ना, कमेंट करते हैं। मैंने यार सब्सक्राइब किया हुआ है आपका, कमेंट करता हूँ कभी। तो दोस्तों अभी हम वापस निकले हैं हार्दिक फूड के पास, हमने स्टे किया कुछ खाने के लिए। जुल्फकार भाई तो कह रहे थे सियालकोट चल के उधर से खाएंगे, मैं बोला नहीं भाई भूख लग रही है कुछ खाते हैं, तो फिर चलते हैं। अभी चाचू का बेटा आ रहा है अहमद, उससे भी आपको मिलवाते हैं। गाड़ी इधर हमने पार कर ली है कनाल रोड पे, तो ये सामने हार्दिक फूड है, तो जब भी खाना हो हम इधर से खाते हैं, या फिर जो है हम लाहौर में तो काफ़ी जगह से खाते हैं, लाहौर में ही रहना है तो इस वजह से लाहौर से इधर से दिल करता खाते पीते हैं। तो अभी अहमद आने लगा, उससे आपको मिलवाते हैं चाचू के बेटे से, ठीक है, तो वो आता तो आपको मिलवाते हैं। ये आ रहा है अहमद जो है ना, कज़र मेरा चाचू का बेटा। हाँ जी अहमद भाई क्या हाल है, ईद बार आ जाओ, ईद बार नज़र आ रही है और ये है अहमद, ठीक है जी, कज़न है मेरा चाचू का। यार हम इधर बैठ के ना इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, वो उतर बह जाने किधर खाना गया है भाई, हमें गौर से देख रहे हैं काफ़ी। रेस्टोरेंट में आ गया खाना खाने, ये देखें जी अहमद जा रहा है, अहमद भाई पीछे देख लें छोटा, मैं इसको भाई भाई बोल रहा हूँ, ठीक है। ये पीछे जुल्फकार भाई आ रहे हैं, तो अभी हम इधर से खाना खाएं तो उसके बाद हम वापस निकलते हैं। अगर ये जुल्फकार भाई साथ ना होते मेरे, तो मैंने स्टे करना था लाहौर में। तो ये माशाल्लाह से आप देख लें रेस्टोरेंट लाहौर में, हादी रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है, ये देखकर नज़ारा, नीचे रोड है माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छी सिटिंग एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। खाना जो है वो ऑर्डर किया है अहमद, अभी कॉल पे परमिशन लेने लगा मेरे साथ जाने की, तो अभी हमने जो है वो खाना शाना ऑर्डर किया, खाना शाना हम खाते हैं तो उसके बाद इधर से निकलते हैं। चाय भी पीनी है, चाय तो लाजमी पीनी है भैया, आपने पीनी है चाय भाई, थोड़ा भाई ऊँची बोल लें, शर्माए नहीं हूँ, पीनी नहीं है भाई, मैं भी पी लूंगा माशाल्लाह से, चार बच्चों के वाले साहब हैं आप, तो अभी भी चाय नहीं पीनी है भाई, बस असल में भाई शर्मा रहे हैं, पहली दफ़ा वीडियो बना रहे हैं इसलिए शर्मा रहे हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी दफ़ा इधर से आके खाना खाया हमने, तो भी मौसम भी काफ़ी अच्छा है। पिछली बार भी क्या कर रहे हैं आप, ये देखिए कितनी ज़रूरी कॉल कर रहे हैं हम, तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना शाना हमने खा लिया, तो अभी हम ऊंची बोला करो, ऐ पता नहीं की बोलता रहता, आवाज ही नहीं आती है भाई, वो हमको समझ आ जाती है, समझ आ जाती है। तो अभी हम चाय पीने लगे हैं और इसको गुड बाय बोल के हम वापस निकलने लगे हैं। अहमद भाई ये ट्रैफिक वगैरह काफी ऊपर से आ रही है, तो अभी जुल्फकार भाई जो है वो पान शॉप पे गए हैं, तो अभी हम पीते हैं चाय, और ये पास से रेड़ी लगी हुई है, ठीक है जी, देख लें जी माशाल्लाह से ये गाड़ी पास करके वहाँ पता चाहिए किधर से, वो कोयटा हरम प्याला, तो भी ये सामने से हमने खाना खाया, तो भी हम चाय पीने आए हैं कोयटा डी पे, कोयटा डी पे चाय पिलाने के लिए नहीं आया, ये चाचू का बेटा है अहमद, इसका नाम है हाफिज़े कुरान है, कौन सी क्लास में है, थर्ड ईयर में है, थर्ड ईयर में हो गया तो हमें पता ही नहीं भाई, कजन्स में ना मेरा सिर्फ इसके साथ ही है, इसका भी पता नहीं इसका किसके साथ है, मेरा इसके साथ है, कजन्स में ना काफ़ी अच्छा बंदा है यार, मोहब्बत करने वाला बंदा है, अभी कह रहा था मुझे अगर रुक जाओ, तो साथ ये जुल्फकार भाई आए हैं, इनकी वजह से हम स्टे नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने अभी वापस निकलना है, मुझे कह रहा था ऊंची बोला करो यार, तो अभी ऊंची कितना बोले, स्लो स्लो जो है ना आदत पड़ जाएगी हमें ऊंची बोलने की, भाई कुछ बोलना चाहेंगे जी, अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप चैनल के बारे में कुछ बोलो जी,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अब्दुल्ला के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको सपोर्ट करें, बड़ा अच्छा बच्चा है। हाँ जी, तो भी चाय पी के हम इधर से निकलते हैं। तो ये मोटरवे पे जो है दोस्तों, ये स्टे के लिए जगह बनी है, वॉशरूम जाने के लिए किसी ने कुछ खाना पीना हो तो भी हम इधर आए हैं। तो इधर आपको इधर का व्यू वगैरह करवाते हैं, इधर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके ना, तो इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं इधर का व्यू जो है। तो इधर वॉशरूम बने हुए हैं, तो अभी हम वॉशरूम जा रहे हैं। वॉशरूम इस साइड पे है भाई जी, वॉशरूम इस साइड पे है। तो ये सामने खाने पीने वाली जगह है, ठीक है। ये सामने सिटिंग एरिया इधर का, उसके बाद ये सिटिंग एरिया इधर बना हुआ, हवा जो है काफ़ी मज़े की चल रही है। काफ़ी मज़े की जगह बनी है बैठने के लिए ना। तो इधर हमने गाड़ी पार्क की है, ये सामने मोटरवे है, वो गाड़ियां जा रही हैं मोटरवे पे। काफ़ी अच्छी जगह बनी है, ठीक है दोस्तों, काफ़ी मज़े की जगह है। तो इधर तो भी निकलते हैं हम इधर से वापस, आधे घंटे में इंशाल्लाह हमें पहुंच जाना है। तो भी चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ये रही गाड़ी, तो भी चलते हैं दोस्तों। ये सामने मस्जिद है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, तो भी हम चलते हैं वापस।